तो मेरा कहना ये है कि ये एक एजेंडा है, ये एजेंडा है जिसके तहत वो बाकायदा गांधी जी के खिलाफ में वातावरण बना रही हैं, वो असल में साध्वी जो प्रज्ञा हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि उनको जो है वो ट्विटर ने जो है उनको बैन कर दिया, अब वो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रही हैं। हम ये उम्मीद करते हैं इंस्टाग्राम भी उनके ऊपर रोक लगाने का काम करेगा, तब वो फिर कुछ और दूसरा मीडियम लेंगे। लेकिन जो भी कुछ वो कर रही हैं, अब वो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर गांधी वर्सेस गोडसे की जो डिबेट खड़ा करना चाहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि उसकी राष्ट्रभक्त तो गोडसे था जिसने गांधी की हत्या करने का काम किया, क्योंकि गांधी वो आड़े आ रहे थे, हिंदू हित के आड़े आ रहे थे, पाकिस्तान के पक्षधर थे। तो ये जो है ये पूरा एक एजेंडा है, ये संघ का एजेंडा है, ये बीजेपी का एजेंडा है, और मुझको ऐसा लगता है कि ये चुनावी एजेंडा भी है, क्योंकि अब जब चुनाव आ रहे हैं नजदीक में, तो ये इन्हीं सवालों के ऊपर लोगों को फंसाना है, और इसके बाद में फिर कैंपेन के लिए भी इनको उतार देना है। अब उनको पूरी जो है सिक्योरिटी वगैरह तो सब कुछ मिली गई है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यूपी के अंदर जो है क्योंकि आपको याद होगा कि जो है योगी बाबा ने जो है इनको कहा था कि भाई अगर बॉम्बे से हटना है तो आप यहाँ पर आ जाओ, नोएडा की जो फिल्म सिटी है उसके अंदर हम आपका पूरा इंतजाम करेंगे। मतलब एक लिंक बनी हुई है, तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। आखिरी बात मेरी ये है कि इनको जो भी मिला है पद्मश्री है ना, वो तो उनसे वापस लेनी ही चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की ये हरकतें कर रही हैं, हालांकि हम लोग बराबर ये कहते रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह का धारा ही खत्म हो जाए, लेकिन जिस तरीके से लोगों को एक जो है त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों पे हमला हुआ, उसमें जिन लोगों ने ट्वीट किया सबको यूएपीए लगा दिया, तो कम से कम ये जो है जिस तरीके का हेट्रेड फैला रही है उससे ये केस तो इनके बनता ही है, यूएपीए का केस तो बनता ही है, अगर जितने अभी तक केसेस हुए हैं उसको लेकर के। और मुझे लगता है कि अभी जो उन्होंने वीरदास को लेकर के जो उन्होंने एक कमेंट किया है कि उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा दो भारत की बात कही है, तो उसको लेकर जो है उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जबकि हम ये मानते हैं कि उन्होंने एकदम ठीक कहा है। और ये एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि चार्ली चैपलिन जो है उन्होंने हिटलर के ऊपर एक द डिक्टेटर करके फिल्म बनाई, और उसको जो है इतना ज्यादा सराहा गया कि बाद में हिटलर की भी इच्छा हुई कि मैं देख लूं, और उसके बाद में कहा जाता है कि उसने देखा और वो बहुत रोया और उसने आत्महत्या कर ली। तो जो भी कुछ हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज के अंदर जो है हेल्दी क्रिटिसिज्म तो ठीक है, और आप अगर कोई वैचारिक बात करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन आप जो है एक तरीके से पूरे देश को आप जो है आग के अंदर झोंकने का अगर काम करते हैं, सुनियोजित करते हैं, तो ये एक देश है जिसके लिए कानून के ऊपर कानून होनी चाहिए जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।